नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ऑल ऑफ अस आर एब्सोल्युटली गियर्ड अप फॉर सेशन नंबर। आज कौन सा सेशन हो गया भैया हमारा? तो आज है हमारा सेशन नंबर 6। आई होप वी आर ऑल एक्साइटेड एंड रेडी। तो जरा मुझे जल्दी से ये बताइए, अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए? वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज। जल्दी बताइए, अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए? तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट पेंडिंग था आज उसे कंप्लीट भी करेंगे। यस और नो, ऑल सेट? तो प्यारे दोस्तों, पूरे जोश के साथ कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए, करके दिखाएंगे। आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं एडवांस में। लेकिन आप जानते ही हैं प्यारे दोस्तों कि होली पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलनी है, कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की भी साइंस और टेक्नोलॉजी में। आइए काम शुरू करते हैं। अजेंडा फॉर सेशन नंबर 6। प्यारे दोस्तों, मेरा परिचय उन सभी के लिए जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, यह है हमारा ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी का, अच्छे से देख लीजिए। यह मैं पूरा 50 सेशन में आपको यूट्यूब पर फ्री में कवर करवाऊंगा, अच्छे से देखिएगा। बहुत सारी बारीक चीजें हैं जो हम प्रीमियम कोर्सेस में कवर करेंगे, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द मेजर थिंग्स आई विल कवर हियर। और अभी तक हमने जो जो कवर किया है वो आपके सामने है। तो ये जो फर्स्ट टेन कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें से कोई एक पिकअप कीजिए जो आपका फेवरेट था। 1 to 10 में से एक मुझे बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा। जल्दी बताइए। इंडस्ट्री 4.0 याद है कि भूल गए? जर्मनी से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, याद आया ना भैया? तो कोई एक कॉन्सेप्ट बताएं जो कि आपको बहुत पसंद है। सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर। अपने साथ में अपने घर वालों को भी बुला लो, भैया मम्मी पापा को साथ में बिठाओ, साथ में पढ़ेंगे। और कई लोगों ने लिखा है कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ देखते हैं, उन सभी को मेरा नमस्ते। प्यारे दोस्तों, 11 to 20 में विच इज द वन दैट यू लाइक द मोस्ट, जल्दी बताइए। सेशन 11 to 20 वेरी सॉरी, इसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट बताइए जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। जल्दी बताइए। आपने लिखा है कि और कितने कॉन्सेप्ट हैं, जब तक मजा आ रहा है तब तक पढ़ते चलो। आप बोलोगे तो 1000 कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा मैं, और ये सब एग्जाम में ऐसे कैसे आएंगे, ध्यान रखना डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नाउ वी कम टू कॉन्सेप्ट 21 to 30। एक कॉन्सेप्ट पिकअप करो, इसमें से कौन सा अच्छा लगा, जल्दी से एक बताओ मुझे। क्विक, जोश चाहिए आपकी तरफ से। और आते ही सबसे पहले सेशन को लाइक करो बेटा, शेयर करो, कमेंट करो, और जब आप रिवीजन करेंगे तब उस वक्त मेक श्योर कि आप उसी जोश के साथ रिवीजन के समय भी कमेंटिंग करें जैसी अभी कर रहे हैं। 21 से 30 में कोई एक पिकअप कीजिए, और 31 से 40 में कोई एक पिकअप कीजिए। इसमें तीन छूटे थे, वो हम आज कवर करवा देंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आपको दीज आर ऑल एब्सोल्युटली न्यू थिंग्स विच यू आर गोइंग टू फेस इन द एग्जाम। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, आप में से कईयों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ा नेचुरली आता नहीं है। अब जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये विषय क्या है, एक व्यक्ति को इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है। साइंस टेक्नोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में उतनी रुचि नहीं है, लोगों को इन चीज़ों में तकनीकी समझ के लोग डर के मारे छोड़ ही देते हैं। लेकिन परीक्षा में अब इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, और मेंस में भी बहुत पूछते हैं, इंटरव्यू में तो पूछते ही पूछते हैं। इसलिए आपको थोड़ा आपकी तरफ से भी प्रयास करना पड़ेगा। तो करेंगे या नहीं प्यारे दोस्तों? 31 से 37 में कोई एक बता दो जो आपको अच्छा लगा, जल्दी बताओ। और आपको पता है ना, कॉलोनाइजिंग मार्स में हमने एलॉन मस्क की बात की थी। आपको पता है एलॉन मस्क जो मालिक है टेस्ला का और स्पेसएक्स का? हाल ही में एलॉन मस्क ने एक बहुत अजीबोगरीब बात की कि कोरोना वायरस को लेकर होने वाला पैनिक एकदम यूजलेस है। उनका ट्वीट है दैट इट इज फूलिश टू पैनिक ओवर कोरोना वायरस। नाउ दैट आई थिंक इज अ वेरी फूलिश ट्वीट, बिकॉज देर इज अ जेन्युइन रीजन टू पैनिक ओवर कोरोना वायरस। Not to say that we should all panic and run helter-skelter. No. Coronavirus को लेके हमें घबराने की जरूरत उस extent तक है कि उससे जो economic damage हो रहा है बहुत deep हो रहा है, और वो पूरे 2020 में हम face करेंगे। कितने बच्चे agree करते हैं कि coronavirus से 2020 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है? जल्दी बताइए। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा आपकी तरफ से भी एफर्ट बढ़ाएं। कई बच्चों ने कहा भी है कि हम एफर्ट बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया, नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, इट इज वेरी गुड। तो आज का काम शुरू करते हैं, यह है हमारा आज का एजेंडा। कॉन्सेप्ट देखिए, 5G टेक्नोलॉजी। तो भैया, भारत में एक चीनी कंपनी के आने पर डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध लगाना चाहते थे। आई डोंट वांट इंडिया टू डील विद दीस चाइनीज कंपनीज, आई मीन चाइनीज कंपनीज कैन पुट स्पाइवेयर एंड नो सर आई एम नॉट गोना अलाउ। लेकिन भारत ने उस चीनी कंपनी को अलाउ कर दिया है अंततः। उस चीनी कंपनी का नाम बताओ, जल्दी बताओ।
बहुत बड़ा इंटरनेशनल झगड़ा है उस चाइनीज कंपनी को लेके। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा स्पाई एजेंट है। भारत कहता है कि भाई अल्टीमेटली हमारी मजबूरी और हमें उस कंपनी को 5G के लिए अलाउ करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि भारत में आए लेकिन भारत सरकार ने मजबूरी में उसके लिए हाँ कहा है। जल्दी बताइए। यस सर, जल्दी बताइए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं बहुत ही जोश के साथ, मतलब बिल्कुल कड़क रंगों वाली होली खेलता हूं कि जिसमें चेहरा पूरा बंदर जैसा हो जाता है, लेकिन इस साल मैं गुलाल वाली होली भी नहीं खेलूंगा, क्योंकि जहां आपने किसी को टच किया, कोरोना वायरस फैला, ये तो बेसिक विज्ञान है, और अगर इसके बाद भी आपके समझ में नहीं आती है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस से केवल आप लड़ सकते हैं, मैं लड़ सकता हूं। कैसे? एकदम टचिंग बंद कर दो। ये पहला रूल है कोरोना वायरस से बचने का। अब कितना समझाएं, हम अपने जीवन में तो ला ही सकते हैं, आप आपके जीवन में लाइए, अदरवाइज तो फिर जो होगा सब एक साथ भुगतेंगे, क्योंकि याद रखना भुगतना सबको एक साथ है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी बच के निकल जाएगा, गरीब फंसेगा, सब एक साथ फंसने वाले हैं, इसलिए कोशिश करें कि कोई ना फंसे। आई होप आप मेरी बात से सहमत है। तो हुआवे के बारे में आपको पता है, बहुत अच्छा लगा प्यारे दोस्तों। चलिए गुड, ये आज के सारे सेशंस हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स देख के मजा आया, 440 वोल्ट का करंट लगा, ये नॉलेज का करंट है बेटा। जिसको नॉलेज के करंट की आदत लग गई ना, उसको जिंदगी में फिर और कोई करंट नहीं लगता। तो मैं कहानी आज की शुरू कर रहा हूं, प्रीलिम्स एमसीक्यूज के साथ, पिछले सेशन का रिवीजन है। हाउ मेनी बॉम्ब्स आर एक्चुअली यूज्ड इन वन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब? प्रत्येक थर्मोन्यूक्लियर बम में दरअसल कितने बम लगे होते हैं? 4, 1, 3, 2, ए बी सी डी में से उत्तर दीजिए। जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। अपने साथियों को सेशन के लिए लाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आप एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। अल्टीमेटली यही कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बस मेहनत की जरूरत है, वो हम आपसे करवा के लेंगे। ए बी सी डी, जल्दी उत्तर दीजिए, इतना समय नहीं है, जल्दी बोलिए। आपको मैं मौका दे रहा हूं, समय दे रहा हूं, जल्दी आंसर दीजिए। बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एबीसीडी में से आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए, क्विक। हर बच्चा उत्तर देगा, एट द मोस्ट गलत होगा ना बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, गलत हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर ऑल लर्नर्स, मैं भी सीख रहा हूं, तुम भी सीख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्यारे दोस्तों सही उत्तर है 2। कितनों बच्चों का ये उत्तर आया? वेरी गुड, आप सब बड़े सिंसियर बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, दिस इज द स्पिरिट। क्योंकि पहले होता है फिशन बम यानी विखंडन बम, जिससे फिशन की एनर्जी आती है, जिसको कंटेन करते हैं तो विलयन हो जाता है और बहुत भयानक बड़ा विस्फोट होता है जो कि फ्यूजन बॉम्ब होता है। कितनों का सही गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडियस बॉयज, पढ़ते रहिए। और ये रहा अगला सवाल, Why did India carry out the ASAT anti-satellite missile test? भारत ने 2019 में क्यों किया? A, to ensure its own space assets are safe, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे space assets सुरक्षित रहें। B, ये संदेश देने के लिए कि हम अमेरिका, रूस और चीन से, उनकी धमकियों से निपट सकते हैं। ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ो। C, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम चीनी उपग्रहों को जब जरूरत पड़ेगी तो उड़ा सकते हैं। डी, ये संदेश देने के लिए कि हमारे पास डेटरेंस क्षमता है। डेटरेंस यानी हमारे एसेट्स से दूर रहिए, एबीसीडी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शांति से उत्तर दीजिएगा। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स को स्कैन करते जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं सही समय पर कुछ यूजफुल कमेंट्स को उठा सकूं। जल्दी बताइए क्या उत्तर है एबीसीडी। प्यारे दोस्तों काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतना कठिन प्रश्न भी हल कर दिया, मैंने सोचा नहीं था बहुत बच्चे हल कर पाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर है डी। अब आप शांति से सोचिए कि ए बी और सी क्यों नहीं है। जिन बच्चों का सही गया आपको बहुत बहुत बधाइयां, स्मार्ट, आप बहुत सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पर आ गए, व्हाई डू वी ओनली सी वन फेस ऑफ द मून? हम ज्यादातर मोटे मोटे तौर पर चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देख पाते हैं? ए बी सी डी। अब ये चारों ऑप्शन आप खुद पढ़िए,
और मुझे बताइए एबीसीडी में से सही उत्तर क्या होगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, परीक्षा में कभी भी हड़बड़ी मत करना, चारों ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, जल्दी करोगे तो सब निकल जाएगा हाथ से। क्विक 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 एबीसीडी पढ़िए, चारों पढ़िए, थोड़ी स्पीड रखिए और उसके बाद एबीसीडी में से उत्तर दीजिए। घबराइए मत, जिनके उत्तर गलत जा रहे हैं आप यहां सीखने आए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या उत्तर होगा, एबीसीडी क्या उत्तर होगा, जल्दी बोलिए, थोड़ा सा चकरा रहे हैं ना आप, गुड, यही तो होगा एग्जाम में, एग्जामिनर का काम ही है चकरवा देना। माय डियर स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर विच इज 100% करेक्ट इज डी, द मून्स एक्चुअल रोटेशन टाइम इक्वल्स द ऑर्बिटल रोटेशन टाइम। बाकी ए बी सी तीनों में कुछ ना कुछ चक्कर, या तो वो गलत हैं या आधे सही हैं। मून केवल पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है, सूर्य के साथ नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा इस वजह से गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन डी एकदम सही है। चंद्रमा अपनी धुरी पर गोल गोल घूमने में जितना समय लेता है एक्चुअल रोटेशन टाइम, वो पृथ्वी के आसपास की कक्षा ऑर्बिटल रोटेशन टाइम के बराबर होता है, अतः सही उत्तर होगा डी। कितनों का आया, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई, अच्छे बच्चे हैं। व्हाट इज द वे टू टैकल एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधक क्षमता से निपटने के लिए साइंस के पास अब क्या रास्ता है, ए बी सी डी। पढ़िए चारों ऑप्शन और ए बी सी डी में से उत्तर दीजिए, बहुत शांति से पढ़िए और ए बी सी डी में से बताइए एएमआर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आप देख रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद इतने अच्छे उत्तर भी दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। जबकि साइंस टेक्नोलॉजी आसान विषय नहीं है, फिर भी आप बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए एएमआर का क्या उत्तर है। माय डियर स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमल साइंटिफिक एंड मिनिमम यूज ऑफ रेलिवेंट मेडिसिन, वो एंटी बैक्टीरियल हो, एंटी वायरल हो, एंटी फंगल हो। ए में लिखा है मैक्सिमम हिट, नहीं, मैक्सिमम बिल्कुल नहीं। सी में लिखा है सरकार की सही नीतियों से, ये तो बहुत एक एम्बिगुअस आंसर हो गया ना। डी में लिखा है ऑप्टिमल साइंटिफिक एंड मैक्सिमम यूज, गलत गलत गलत। अगर ज्यादा से ज्यादा दवाइयां लगाओगे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो दरअसल कम से कम दवाइयों में इलाज करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा में नहीं, ये ध्यान रखना बेटा। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि पिछला प्रश्न समझा दीजिए बच्चों, ए इसलिए गलत है कि चंद्रमा मंगल के साथ टाइडली लॉक नहीं है, बी इसलिए गलत है कि पृथ्वी और मंगल का तो ये प्रश्न ही नहीं है, सी इसलिए गलत है क्योंकि सूर्य कहां से आया, हेंस आंसर वॉज डी। एएमआर का हमारा सही उत्तर है बी। कितने बच्चों का सही गया, बहुत बढ़िया, आप सभी को बधाई, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं सब कुछ मैं हिंदी में तो पढ़ ही रहा हूं पैरेलल, थोड़ा एफर्ट आपकी तरफ से भी लगाएं। मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी बनाने के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या आती है दिमाग में, यह है सवाल। मंगल ग्रह पे कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ी चिंता दिमाग में क्या आती है, यह है सवाल। ए, पृथ्वी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का जोखिम, बी, बहुत महंगा प्रोजेक्ट, सी, जल की उपलब्धता, डी, उस पर्यावरण का मानव शरीर पर प्रभाव। ए बी सी डी, जल्दी बताइए सही उत्तर क्या है। जितने बच्चों के प्रश्न सही हल हो रहे हैं बहुत बहुत बधाई, जिनके नहीं हो रहे हैं रिवाइज कीजिए, बाद में सेशन को दो दो बार देखिए, चैनल पर उपलब्ध है वाईफाई, यूपीएससी अनअकैडमी के चैनल पर ये उपलब्ध है फ्री में, दो बार देखो, तीन बार देखो, अच्छे से करो। चलो एबीसीडी में से उत्तर दे दो बेटा मुझे जल्दी से। सही उत्तर है डी, मानव शरीर पर वहां के पर्यावरण का प्रभाव, यह सबसे बड़ी चिंता आती है। बाकी की तो अंडरस्टूड है भैया, लेकिन मानव शरीर ही अगर नहीं बचेगा तो वहां कोलोनाइजेशन करेगा कौन, ये समझे कि नहीं आप। तो चार ऑप्शंस में से परीक्षा में आपको एक से ज्यादा भी सही दिख सकते हैं, तो जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही दिखें तो कृपया बारीकी से सोचिए कि प्रश्न का एक एक शब्द क्या है और उस फ्रेमवर्क में सोचिए कि मुझे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये रिवीजन है पिछले कॉन्सेप्ट्स का, कॉन्सेप्ट 29, 30, 31, याद आ रहे हैं सारे, 32,
33 टाइडल लॉकिंग वाला एनिमेशन याद आ गया, 34, 35, 36, 37, अब आ गए हैं 38 5G टेक्नोलॉजी पर। प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं आज का काम 5G टेक्नोलॉजी। इसमें मैं क्या क्या कराऊंगा, बहुत सरल भाषा में समझा दूंगा। मैं आपको ये सब बताने वाला हूं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। दिखने में बहुत खतरनाक है, समझने में बहुत आसान है, इसलिए खुले दिमाग से बिना डरे समझिए, चैंपियन बन के निकलेंगे। तो क्या हम तैयार हैं 5G टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए? तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो 4-5-6 सेकंड में फुल लेंथ HD मूवी को डाउनलोड कर देगी। लेकिन बात सिर्फ फास्टर स्पीड पे मूवी डाउनलोडिंग की नहीं है, बात है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सारी इंडस्ट्री को पुनर्परिभाषित कर देगी। तो ये 5G टेक्नोलॉजी है क्या? सबसे पहला मासूम सवाल, इसमें ये जी क्या है, जल्दी बताइए। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, तो इसमें ये जी शब्द किस हेतु प्रयुक्त होता है? मुझे सबसे पहले आप कृपया ये बताइए, ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G क्या होता है पहले बताइए। प्यारे दोस्तों कल होली के त्योहार की छुट्टी रहेगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मैं पुनः आपसे बुधवार को मिलूंगा, तो कल आप हमारे 6 सेशंस को रिवाइज कर लीजिएगा, यस और नो? तो जल्दी बताइए ये जी क्या है, अब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पिछले 20 वर्षों में, पहले बिंदु पर हूं, बहुत तेजी से विकसित हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, पहले ही पॉइंट पर हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने, वैज्ञानिकों ने, सरकारों ने अलग अलग टेलीकॉम प्रौद्योगिकियां बनाई हैं और स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। आज अगर मैं भारत में कोई टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लगाता हूं तो वो तब तक बेकार है जब तक कि दूसरा देश भी उसको अडॉप्ट नहीं करे, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो दो लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में एक समान स्टैंडर्ड इवॉल्व करने पड़ते हैं टेक्नोलॉजी के। दूर संचार प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर लगाकर नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इससे पहले आया 1G, जी यानी जनरेशन यानी पीढ़ी, फिर आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G और अब आया है 5G। वी हैड 1G, 2G, 3G, 4G सो फार। पहले दो बिंदु क्लियर हो गए, ये टेक्नोलॉजीज कहां से आती है ये समझ में आया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर लगाकर टेक्नोलॉजी विकसित करती हैं और उनको कमर्शियली लॉन्च करती है, ये हवा से नहीं आती, ये पैसा लगा के डेवलप होती हैं और धीरे धीरे, और कोई गारंटी नहीं कि कौन सी टेक्निक सफल हो जाए। अभी मैं सिर्फ पहले दो बिंदुओं पर हूं, समझ में आ गया? तीसरे बिंदु पर आऊं, 2020 में 5G की जो बात हो रही है वो 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE, इस पे प्रीलिम्स में सवाल आया था, LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन से 40 गुना तेज होगी, मतलब एक नया युग शुरू होने वाला है। तीसरा बिंदु क्लियर, यह मैं आपको आगे कंपैरिजन चार्ट दे दूंगा, आप आराम से इसको बैठ के पढ़ सकते हैं कि आखिर इनके बीच का बेसिक कंपैरिजन देखना हो तो क्या होगा, ठीक है? चौथे बिंदु पर आ जाओ, लेकिन 5G से आशय केवल गति से नहीं है कि 5G में मूवी 5 सेकंड में, 7 सेकंड में, 10 सेकंड में डाउनलोड होगी। 5G जब आएगा तो अलग अलग कंपनियां जिस तरह के एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस लाएंगी 5G को यूज करने वाला है, वो एक नई दुनिया को ही जन्म दे देगा। तो टीचर, अब उदाहरण से बताता हूं, जैसे मैं यहां आपको YouTube पर पढ़ा रहा हूं, एक बार 5G पूरे भारत में आ गया सच्चे अर्थों में, यानी आज से 5 साल बाद, 2025 के पहले नहीं होगा, बहुत महंगा और बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, उसके बाद आपको पता है क्या होगा, अब आप चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, 5G इतना फास्ट होगा और इतना एडवांस्ड होगा कि मैं 3D होलोग्राफिक इमेज में आपके घर में आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा दूंगा। तो वो जो मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, नहीं तो हाथ डाल के कान पकड़ लूंगा, तो मैं वहां एक्चुअली आपके कान तक हाथ डाल के कान को यूं घुमा दूंगा। खैर घुमा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि वो तो इमेज ही होगी, लेकिन आप चौंक जरूर जाएंगे, सर में पढ़ रहा हूं, मतलब आप और सिंसियर हो जाएंगे। तो 5G इस तरह के एप्लीकेशंस को रियल वर्ल्ड में संभव बनाएगी, समझ में आया आपको? एक ने पूछा है कि सीसेट में इंग्लिश पे प्रश्न आते हैं,
जी नहीं, इंग्लिश पर नहीं आते हैं, सी सेट में बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो वो तो हिंदी में भी होता है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा जांची जाती है, नहीं। ये समझ में आ गया 5G का एक डिसरप्टिव क्या होगा। 5G को भी सेल्स में डिवाइड कर इंडिविजुअल एंटीना से चलाया जाता है, जैसे कि 4G, जैसे कि 3G। समझ में आ गया, यस और नो? दिक्कत तो नहीं हो रही है? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो 5G में होगा वो मिलीमीटर वेव, मिड बैंड, लो बैंड में होगा। ये तीन बैंड याद रखना, मिली, अब मैं समझाऊंगा ये क्या है, मिलीमीटर वेव, मिड बैंड, लो बैंड, और लो बैंड 4G के जैसे ही होगा। तो यहां तक सब समझ में आ गया, सरल था, कोई दिक्कत तो नहीं। और भारत में रिलायंस जियो ने भारत सरकार को बोला है कि मैंने खुद की एक 5G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, मुझे अनुमति दीजिए। भारत सरकार बोल रही है हम हुआवे को भी लाएंगे, उसकी भी टेक्नोलॉजी देखेंगे। और अभी फिलहाल क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज की AGR में टांग टूट गई है, इसलिए पूरा स्पेक्ट्रम का सेल आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 5G जिस स्पेक्ट्रम में चलेगा, पहले तो सरकार वो बेचेगी, कंपनियां वो खरीदेंगी, उसके बाद 5G आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको स्पेक्ट्रम सिखाने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, 1, 2, 3, 4 5G का ये कंपेरिजन चार्ट है, ये आपके रेफरेंस के लिए है, इस पे आराम से समय देके पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है। मेरा मकसद अब आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ाना है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितने बच्चों ने EM स्पेक्ट्रम के बारे में सुना है? अब मैं सरल भाषा में बता रहा हूं, बिना डरे सुनो समझो। इस ब्रह्मांड में जितनी भी तरंगें चल रही हैं, जो कि ब्रह्मांड ने बनाई हैं, ऑल द रेडिएशन अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ वन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय वर्णपट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे कम फ्रीक्वेंसी से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो यूनिवर्स में है, इंसान ने नहीं बनाई है, इसका क्लासिफिकेशन कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको और मुझे, हमारी आंखों से इसका एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, जिसको कहते हैं विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। लेकिन 200 साल पहले एक वैज्ञानिक जब स्टडी कर रहा था, तो उसको पता चला कि विब ग्योर, वॉयलेट से रेड, रेड के आगे भी उसको हीट सेंस हो रही थी, तो उसको समझ में आ गया कि कुछ और है जो इंसान को नहीं दिखता है। उसी तरह वायलेट तो अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड। तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हमें बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय वर्णपट जो यूनिवर्स में मौजूद है करोड़ों सालों से, इसमें इंसान का कोई रोल ही नहीं है कहीं से कहीं। समझ में आया? लेफ्ट साइड से राइट साइड पे देखिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टी होती हैं। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी लोएस्ट वेवलेंथ। समझ गए? तो यहां से शुरू करेंगे, रेडियो वेव आएगा, इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड के बाद राइट से लेफ्ट विबग्योर दिख रहा है, इसीलिए इंफ्रा, इंफ्रा यानी लेस, उस तरफ अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि वो वायलेट था, अल्ट्रा यानी ऊपर, परा, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें, ये है अल्ट्रा वॉय, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया, सिलेबस का हिस्सा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये 5G में कहां से आया? प्यारे बच्चों, रेडियो वेव के अंदर पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री चलती है। अब हमने जूम आउट कर लिया, तो जैसे ही आप ऊपर देखेंगे सेल फोन्स दिख रहे हैं आपको, और उसके पास में ऑक्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये वो स्पेक्ट्रम है जो भारत सरकार चॉप कर करके बेचती है कि इतने मेगाहर्ट, इतने गीगाहर्ट के हम इतने बैंड बेच रहे हैं, इतने लाख करोड़ में खरीद लो, इतने हजार करोड़ में खरीद लो, अब उसमें कोई और नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी कंपनी चलेगी अलग अलग सर्कल्स में। ये फंडा समझ में आया? तो भैया ये नेचुरल रिसोर्स है भारत का, प्राकृतिक संसाधन है भारत का, जिसका मालिक है भारत सरकार, और इसलिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस रेडियो सेगमेंट के टुकड़े की नीलामी। समझ में आया? वो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो बस आप इतना ध्यान रख लेना, मोटा मोटे तौर पे आपका काम हो जाएगा। भारत सरकार ने 2G में कहां कहां सेल किया देखो, 3G में, 4G में, 5G में,
इस तरह से सरकार, अभी तो 5G का ऑक्शन ही नहीं हुआ ना, लेकिन अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको 5G स्पेक्ट्रम कितने गीगाहर्ट्ज़। अब आप बोलेंगे सर ये गीगाहर्ट्ज़ क्या है, इसमें देख लेना सारा स्केल पे दिया हुआ है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग स्पेक्ट्रम बेचा जाता है। भारत में भारत सरकार की अपनी अलग योजना होगी, अमेरिका की अलग होगी। दक्षिण कोरिया सबसे आगे है 5G में, दक्षिण कोरिया में 5G सबसे पहले आया दुनिया में। और यह है भारत में मोटे मोटे तौर पर प्रपोज्ड 5G। ऊपर है फ्रीक्वेंसी, नीचे है वेवलेंथ, अलग अलग मिलीमीटर बैंड होगा एक्सेट्रा, लो बैंड, मिड बैंड, जो मैंने शुरू में बताया था। तो ये काफी तकनीकी विषय है, अच्छे अच्छे इसमें ढेर हो जाते हैं, लेकिन आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस से चीजों को सुना है, समझा है, 2-3 बार रिवाइज करना, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है भैया 5G की ब्रॉडली स्पीकिंग पूरी कहानी। अब क्या होगा, क्या 5G से ह्यूमन टू ह्यूमन होगा, ह्यूमन टू मशीन होगा, मशीन टू मशीन होगा, मशीन टू मशीन में सबसे बड़ी चीज होगी इंडस्ट्री 4.0। अब वो आपने पढ़ लिया है, इंडस्ट्री 4.0 को संभव बनाएगा 5G। इज दैट क्लियर? ड्राइवरलेस गाड़ियों को संभव बनाएगा, जो कि डीप लर्निंग है, 5G। तो आप देख रहे हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा। कल होली की छुट्टी रहेगी प्यारे दोस्तों। अब आपकी अनुमति हो तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस क्या होती है? बहुत पहले 40,000 साल पहले किसी जानवर की मृत्यु हुई और उसके फॉसिल हमें मिले जीवाश्म। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी मृत्यु कब हुई। अब हम ये कैसे पता करें? तो हम भूतकाल में मुड़के देखना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई पृथ्वी 450 करोड़ साल पहले बनी, ये कैसे पता चला है? कोई वहां से आया तो है नहीं हमें बताने। तो वैज्ञानिक एक फॉरेंसिक साइंस करते हैं, डिटेक्टिव का काम करते हैं। कैसे करेंगे? रेडियो एक्टिविटी की मदद से। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, आइए दोस्तों बारीकी से समझते हैं। इससे पहले कि मैं कार्बन डेटिंग पढ़ाऊं, एक चीज समझ लो, किसी भी मृत चीज की, बायोलॉजिकल मृत चीज की आयु जानने के लिए डेटिंग प्रोसेस होती है। कार्बन डेटिंग अनेकों प्रकार की डेटिंग प्रक्रियाओं में से एक होती है, जो आपको 50,000 से 70,000 साल पहले तक ले जा सकती है। उससे पीछे जाना है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, मतलब अरबों अरबों साल पीछे जाना है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग में जाओ, क्योंकि उसका रेडियो एक्टिव डीके टाइम उतना ज्यादा होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, जरा मुझे एक बार कमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में बता दो कि यस सर आ गया है समझ में। तो डेटिंग प्रक्रिया क्यों यूज होती है? किसी भी मृत बायोलॉजिकल चीज की उम्र जानने के लिए। समझ में आ गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी थी, अगर वहां पे कोई ग्रेन का टुकड़ा हमें मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं। आइए पॉइंट वाइज समझते हैं कि ये कार्बन डेटिंग की प्रोसेस क्या है। बहुत मजेदार चीज और बहुत सरल चीज है। रेडियो कार्बन डेटिंग, पहले पॉइंट पर हूं, एक ऐसी पद्धति है जो हमें कार्बन आधारित वस्तुओं की उम्र जानने में मदद करती है, जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा हिमयुग आया था 10,000-12,000 साल पहले। तब बड़े बड़े दांतों वाले मैमथ हाथी रहते थे, वो सब मारे गए। अब उनके जब लाशें, कंकाल और फॉसिल्स मिले, उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो एज सामने आ गई, नहीं तो हमें हमारे इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। वी आर टॉकिंग ऑफ द पेलियोलॉजिकल हिस्ट्री, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एंशिएंट ह्यूमन हिस्ट्री। पहला बिंदु क्लियर? रेडियो कार्बन डेटिंग वो पद्धति है जिससे प्राचीन समय के मृत जैविक पदार्थों की उम्र पता करने में हमें मदद मिलती है। टेलीकॉम सेक्टर का AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपको पता ही है, किसी ने पूछा AGR, इसलिए मैंने बताया। प्यारे दोस्तों, दूसरा बिंदु, पृथ्वी पर मिलने वाले पदार्थों में कार्बन एक है, बहुत सारे हैं, कार्बन एक है। आप और हम बायोलॉजिकल क्रीचर्स, मैंने नेचर ऑफ लाइफ आपको एक कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया, क्योंकि वो सब पढ़ा तो ये समझ में आएगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है, सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं आपस में। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको आगे वो चार जगह काम आएगा, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो बेटा, और बीच बीच में जरा करके दिखाएंगे, बोलते रहना पॉजिटिव स्पिरिट के साथ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
कांटों पे चल के, याद है ना, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर के साथ हमारे शरीर में मिलने वाला एक मॉलिक्यूल है। फैट्स में, प्रोटीन्स में, हार्मोन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बन 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 सब जगह मिलता है। मजे की बात यह है कि तीन तरह के कार्बन एटम होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, C12, C13, C14। आइसोटोप्स, कितने बच्चों ने सुना है आइसोटोप? केमिस्ट्री में 7वीं 8वीं कक्षा में सबको पढ़ाया है। जल्दी बताओ आइसोटोप की क्या परिभाषा है? तो ये C13 C14 जो है C12 के आइसोटोप हैं। C12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, C13 में एक न्यूट्रॉन जोड़ दो, C14 में एक और न्यूट्रॉन जोड़ दो और वो अनस्टेबल हो जाता है C14, तो उसका डीके होने लगता है। एक बार डीके पता चल गया तो उम्र पता चल गई। एनीवे, वापिस आते हैं। सभी कार्बन एटम्स में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और इनमें से 99% में 6 न्यूट्रॉन, लेकिन 1% में C13 C14 होता है। यस और नो? तो प्यारे दोस्तों, जब ये C14 की हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि C14, अगर आप एक सामान्य मास ले लें कार्बन का, उसमें कितना C14 होगा? इट इज 1 पार्ट पर ट्रिलियन। 1000 बिलियन में एक हिस्सा होता है C14 का और यह 0 होता है। ये इसका रेशियो है। लेकिन इवन 1 पार्ट पर ट्रिलियन इज वर्थ स्टडिंग। समझ में आया आपको? केमिस्ट्री से घबराइए मत, केमिस्ट्री बहुत सरल है। आपके लिए यूपीएससी के लिए जितना जरूरी है मैं आपको पढ़ा दूंगा, उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि ये सवाल तो आते हैं तो बच के भाग सकते नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अलग से जनरल साइंस सिलेबस में है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो बेसिक मुझे साइंस का पढ़ाना है, आपको टेक्नोलॉजी का पढ़ाना है। तो ये समझ में आ गया आपको तीनों, C12 C13 C14। अब मजे की बात देखो, प्रकृति में C12 C13 स्टेबल हैं, ये डीके नहीं होते, लेकिन C14 में रेडियो धर्मी विकिरण निकलता है और वो अनस्टेबल हो जाता है। सो इट अंडरगोस डीके और वो डीके का रेट कांस्टेंट है 5730 सालों में। C14 का कोई भी दिया हुआ अंश आधा डीके हो जाता है। तो किसी भी मृत शरीर में अगर आपने आधा C14 पाया, मतलब वो 5730 साल पहले मरा, उससे और 5730 साल बाद 25% बचेगा और फिर 12.5%, और फिर 6.25%, और ऐसा घटते 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 0 हो जाएगा। तो आपको बस 5730 5730 5730 ऐड करना है आज का कॉन्सेंट्रेशन देखकर, वो उम्र है उस मरी हुई चीज की। फंडा समझ में आ गया? तो C14 डेटिन ऑर्गेनिक और कुछ अनऑर्गेनिक पे लगता है, मेटल्स पे नहीं लग सकता, उसके लिए फिर पोटेशियम आर्गन यूरेनियम डेटिंग होती है। ये बेसिक लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या आप मानते हैं कि विज्ञान बड़ा चमत्कारी होता है और आपको भूतकाल में झांक के देखने की एक ऐसी शक्ति देता है जो सामान्यतः दूसरों के पास नहीं होती? डू यू अग्री प्यारे दोस्तों? तो ये C14 डीके होके जाता कहां है प्यारे दोस्तों? कार्बन 14 जो कि अस्थिर रेडियो एक्टिव है वो डीके होके N14 बन जाता है। तो किसी तरह अगर मैं N14 मेजर कर लूं कितना आया, तो मुझे मालूम चल जाएगा ओरिजिनली कितना C14 था। ये उनके लिए है जिनको गहराई में जाके समझना है, इसलिए मैंने एडिशनल कंटेंट दे दिया, ये मैं यहां पढ़ाऊंगा नहीं। ये सिर्फ ये बता रहा है कि हमारे शरीर में C14 आता कहां से है। अब यह बहुत पुराना एक शेल मिला, यह एक फॉसिल है। जब ये जिंदा था तो ये C14 एब्जॉर्ब करता था C13 C12 के साथ। आज वैज्ञानिकों ने वो फॉसिल खोद के निकाला, उसके एक हिस्से को तोड़ के जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसमें C12 C13 C14 सब निकलेगा। C14 अपने आप डीके होके एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो नाइट्रोजन में तब्दील होगा। एक रेडिएशन काउंटर में इलेक्ट्रॉन को गिन लो, यहां से पता चल जाता है इसमें कितना C14 निकला, तो बस उससे आपकी ओरिजिनल एज पता चल जाएगी। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको नहीं रटना है लेकिन यह बताना जरूरी है। तो इस प्रकार का एक जानवर अगर कभी मरा तो आप देखिए, जब वो मरा उस वक्त के C14 को 100% मान लो, 5730 साल बाद अगर निकाल के हम देखते तो 50% मिलता,
वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब अगर आपको 450 करोड़ साल पहले की पृथ्वी को स्टडी करना है तो कार्बन से कोई फायदा नहीं होगा। C14 डेटिंग आपको केवल 50 से 70 हजार साल तक ले जाएगी। इस पे सवाल बन सकता है कि कार्बन डेटिंग की सीमा क्या है 50 से 70 हजार साल, तो फिर पीछे कैसे जाएं? दूसरे तरीके अपनाइए, मेथड वही रहेगा, सबका जो है डीके का रेट मालूम होना चाहिए, तो आप पीछे 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 जाकर जा सकते हैं। समझ में आ गया आपको? आई होप दिस इज टोटली क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट था, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। किस प्रकार वैज्ञानिक हमें तारीखें बता देते हैं कि ये 10 लाख साल पुराना पत्थर का टुकड़ा है, ये ऐसे बताते हैं। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इज्जत करना, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। भारत का भविष्य उसी में है। अब आते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पे। पहले भी कई बच्चों ने इसके बारे में पूछा था, तो अब समय आ गया है कि मैं आपको लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में बता दूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताइए कि ये जो फोन है ये एक मैक्रो ऑब्जेक्ट है, MACRO मैक्रो, यानी कि एक स्थूल वस्तु है, ये दिख रही है। मैं इसको ऐसा करूंगा तो मेरे हाथ को चोट लगेगी, मैं इसमें से उंगली ऐसे आर पार नहीं ले जा सकता। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, न्यूटन का फिजिक्स है। इसमें एक वस्तु है, स्थूल वस्तु है, जैसे कि मैं हूं, जैसे हर चीज है, जैसे कंप्यूटर है, जैसे आप हैं। हमारे ऊपर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लगेंगे, मोटा मोटा हमें पता हम पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें अंदर उतर जाऊं, अंदर 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 अंदर, तो हर एटम में मुझे एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलेंगे, यस और नो? जल्दी बताइए। वो माइक्रोफिजिक्स हो जाएगा, उसी को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। ये है मैक्रोफिजिक्स, दिखने वाला फिजिक्स। इसमें अंदर गए अंदर गए अंदर गए अंदर गए अंदर गए एटम्स तक पहुंचे, माइक्रोफिजिक्स, सूक्ष्म भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स। वहां पे बिहेवियर इसके बिहेवियर से एकदम अलग होता है। मैक्रोफिजिक्स और माइक्रोफिजिक्स का अंतर समझ में आ गया? अब मुझे बताइए उस एटम में क्या क्या होता है, जल्दी बताइए। क्या क्या पढ़ा आपने स्कूल में उस एटम में क्या क्या होता है? प्यारे दोस्तों, उस एटम में क्या क्या होता है वो जानने का काम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर करता है। तो कोई आपसे पूछे कि ये इतनी लंबी सुरंग बना के स्विट्जरलैंड में जमीन के नीचे ये लोग पार्टिकल बीम टकरा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के एटम के अंदर के पार्टिकल के अंदर क्या है, ये जानने का काम LHC करता है। दैट्स इट, बस खत्म। इसके लिए अरबों डॉलर फूंक दिए गए, क्योंकि अगर वो पता चल जाए तो ये ब्रह्मांड कैसा बना और ये किस दिशा में जा रहा है ये पता चल जाएगा। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इज अ पार्टिकल एक्सीलरेटर, इट इज पार्ट ऑफ CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN उसका फ्रेंच नाम है। 27 किलोमीटर की सुरंग में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जमीन के नीचे लगा रखे हैं, ये देखिए, अरबों डॉलर अरबों यूरो खर्च करके ये लेबोरेटरी बनाई गई है। और ये सिंक्रोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन नहीं। सिंक्रोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में फर्क होता है, मैं भी समझा दूंगा। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इज अ ह्यूज पार्टिकल एक्सीलरेटर, इट इज पार्ट ऑफ CERN। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, बहुत मजेदार चीज बताऊं, ये CERN का जो लैब है, इनका जो मेन लैब है CERN का, आपको पता है उसके मेन एंट्रेंस गेट के बाहर कौन सी प्रतिमा रखी हुई है? भारत ने, हमारे यहां से वैज्ञानिक है, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोड़कर, उन्होंने वो बहुत खूबसूरत एक प्रतिमा वहां पे डोनेट की थी, और CERN के वैज्ञानिकों ने बड़े सम्मान से उसको बाहर लगा रखा है। कौन मुझे बताएगा वो प्रतिमा किसकी है? वो एक पूरी मूर्ति है, बहुत खूबसूरत मूर्ति है। एनीवन हु कैन टेल मी वो कौन सी मूर्ति, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक तो बता दिया, लेकिन उनके अंदर क्या है? अरे बस यही तो काम है LHC का, वहां प्रतिमा किसकी लगी है कौन बताएगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तर का, जल्दी बताइए। जी हां, नटराज की प्रतिमा, केतन ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नटराज भगवान यानी शिवजी का नृत्य करता हुआ स्वरूप पता है ना, तो उसमें आपको नटराज के आसपास शिव 14 सूत्राणी यानी महेश्वर सूत्राणी दिखाई देगी। तो ये कहानी क्या है शिव सूत्राणी की, मैं आपको समझाना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, बड़ी मजेदार कहानी है। आपको पता है ना, संस्कृत का ग्रामर लिखने वाले ऋषि पाणिनि थे,
तो पाणिनि अपने समय में जो थे स्टूडेंट अच्छे नहीं थे, तो गुरुकुल में जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा बेटा तुझे हिमालय में तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए, वो ही तुझे ज्ञान देंगे। तो पाणिनि जोश में हिमालय निकल गए, खूब तपस्या की, खूब तपस्या की। शिव जी आए और डमरू से 14 स्वर निकाले और वो 14 स्वरों का इस्तेमाल, ऐसा पूरा कहानी है, वो 14 स्वरों का इस्तेमाल करके ऋषि पाणिनि ने पूरा संस्कृत का ग्रामर लिखा। समझ में आए? उन 14 सुरों को कहते हैं महेश्वर सूत्र, शिव 14 सूत्राणी। तो वो 14 स्वर क्या थे? वो 14 स्वर थे अयुण रिलृक ए औड़ ए औच है वरट लन नमर डनम झभन गढ़ दश जब गढ़ दश खफ छट त चट तव कपय शस सर हल। अब कितनी मजेदार बात है, तो इसको संस्कृत में काफी पवित्र मंत्र भी माना जाता है। अयुन रिलुक एड एच हय वरट लन नमण ननम झबन घड़ दश जब गढ़ दश खफ छट चट तव कपय शससर हल। और उसपे से संस्कृत का अष्टध्यायी पूरा का ग्रंथ लिखा गया। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये प्राचीन बातें, आज का आधुनिक विज्ञान, ये सब जुड़ा है। आप जब विज्ञान की दृष्टि देखेंगे आपको बहुत मजा भी उसमें आएगा, आपके अंधविश्वास भी दूर होंगे। खैर, ये अपनी अपनी एक सोच होती है, मैंने सोचा आपको एक ओरिएंटेशन दे दूं, वो बहुत जरूरी है। तो वो नटराज की जो कहानी है वो महेश्वर सूत्र की ये कहानी है। एनीवे, तो प्यारे दोस्तों एलएससी क्या करता है, बहुत हाई एनर्जी की पार्टिकल बीम्स को अपोजिट डायरेक्शन में चलाओ, टकरा दो, क्योंकि जब एटम्स फुल स्पीड में टकराएंगे तो उनमें से एलिमेंट्री पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, तो यूनिवर्स की सच्चाई बाहर आएगी। बस दैट इज इट। समझ में आया? अपोजिट डायरेक्शन से बहुत हाई स्पीड के जब पार्टिकल्स टकराएंगे तो उसमें से प्यारे दोस्तों ओरिजिनल पार्टिकल्स बाहर आएंगे। जब वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाहर आएंगे तो यूनिवर्स का फंडामेंटल ट्रूथ पता चलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो एलएससी समझ में आ गया? बस ये है? कभी स्विट्जरलैंड जाओ तो एलएससी घूम के जरूर आना, बाकी लेक जिनीवा पे तो जाना ही जाना। साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन में एक तकनीकी अंतर होता है, एलएससी सिंक्रोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन नहीं, ध्यान रखना। सिर्फ इतना आपको बता दें ये हेड्रॉन क्या है। देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली उनमें क्या क्या होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपको बेरियॉन्स दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन्स, और ये सब तीन परिवार के सदस्य हैं, बोजॉन्स हेड्रॉन्स फर्मियॉन्स। तो ये एक्चुअली काफी कॉम्प्लेक्स है और ये इनके परिवार हैं। फर्मियॉन्स और बोजॉन्स दो बेसिक परिवार होते हैं। फर्मियॉन्स में होते हैं लेप्टॉन्स क्वार्क्स बेरियॉन्स मीजॉन्स, और बोजॉन्स में वो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वैज्ञानिकों ने पिछले 100 सालों में ये सारे बेसिक पार्टिकल ढूंढ के निकाले, पूरा क्वांटम फिजिक्स इसके ऊपर टिका हुआ है, और एलएससी इसमें और अंदर और अंदर और अंदर जाके फिजिक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। यह है सारी कहानी। अब इसमें से आप जो याद रख सके रख लीजिए, वैसे इसमें से इतना बारीकी से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन यह समझाने के लिए यह सब दिखाना बहुत जरूरी था। इसके ठीक बाद में कोरोना वायरस की मौत का फरमान हमारे घर का 20 रुपए का साबुन, उस पर आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले क्या आपको यह समझ में आ गया, बेसिक तत्व समझ में आ गया कि नहीं, और आपको शिव 14 सूत्राणी अच्छे लगे कि नहीं, जल्दी बताइए। महेश्वर सूत्र में मजा आया आपको, यस और नो? तो प्यारे दोस्तों भगवान नटराज यानी भगवान शंकर जो हैं उनको आदि गुरु कहते हैं। आदि गुरु यानी जिन्होंने सारा ज्ञान बनाया। तो ज्ञान की पहली शर्त होती है कि भैया विद्या ददाति विनयम, विनयात दाति पात्रता। पात्रता जल्दी कंप्लीट कर दो आगे का, धनात धर्म, तो दो फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिए। तो जितना आप शिक्षित होते जाएंगे उतना आपको हम्बल होते जाना चाहिए। अशोक का पेड़ झुकता जाता है, ध्यान रखिएगा, घमंड नहीं करना। लेकिन आज उल्टा हो रहा है समाज में, जो जितना शिक्षित हो रहा है वो उतना सीना चौड़ा करके चल रहा है कि मैं शिक्षित हूं और तुम सब गधे हो। तो ये तो सारी शिक्षा के ही खिलाफ है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आजकल वैसा ही हो गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप उस बीमारी का शिकार ना हो तो कहीं बेहतर होगा। तो ये समझ में आ गया एलएससी, यस और नो बोलो तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो यहीं घूमे जा रहे हैं हम गोल 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 गोल, ये सिंक्रोट्रॉन में क्या चल रहा है ये सब है। दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। अरे ऐसा मत बोलो, आप कोरोना वायरस की मौत का फरमान लेकर आ गया हूं मैं साबुन। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक कोरोना वायरस से लड़ नहीं पा रहे और आप एक साबुन से लड़ लोगे। प्यारे दोस्तों अगर कोरोना वायरस को जान से मारना है तो तुम सिर्फ साबुन से हाथ बहुत अच्छे से धो लो, बस 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 बस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, शांति से सुन लो। वायरस में 3 चीजें होती हैं, द 3 थिंग्स दैट मेक अप अ वायरस, अंदर का आरएनए, उसके ऊपर का लिपिड झिल्ली मेम्ब्रेन, और उसके बाहर निकले हुए प्रोटीन।
साबुन में ऐसे तत्व, घर में 20 रुपए वाला साबुन, 10 रुपए वाला साबुन, उसकी बात कर रहा हूं, 700 रुपए का सैनिटाइजर नहीं, 20-25 रुपए के साबुन में ऐसे केमिकल होते हैं कि जब आप हाथ अच्छे से रगड़ते हैं वो केमिकल जाके वायरस के लिपिड झिल्ली को घोल देते हैं, तो अंदर का आरएनए टूट के बिखर जाता है, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, और उसके बाद वो आरएनए किसी काम का नहीं है, कोरोना वायरस की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप 2 मिनट तक अच्छे से घिसें और नाखून एकदम आपके जो अभी बड़े काले गंदे सब भरे हुए ना गंदे मैल से, वहीं घुस के बैठा है कोरोना, तो वो नाखून काटो, समझ में आया आपको, और साबुन से कोरोना वायरस की मौत हो जाएगी। समझ में आ गया या नहीं, जल्दी बताइए। सैनिटाइजर साबुन यूज करने के बाद यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना साबुन यूज किए सैनिटाइजर का कोई मतलब नहीं है। प्यारे दोस्तों, तो आज आपको एक बहुत बड़ी चीज पता चल गई कि ये वायरस दरअसल इतना खतरनाक है नहीं, वो तो हम उसको बनाए जा रहे हैं खतरनाक, क्योंकि हम लल्लू हैं, हम प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। अब वायरस का स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में देख लो, बीच में है आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म बोलो, उसके ऊपर एक आपको पूरी झिल्ली दिख रही है, लिपिड बायलेयर एनवेलोप, और उसके बाहर प्रोटीन लटक रहे हैं जो कि सेल्स में घुसने का काम करते हैं। जब हम साबुन से रगड़ रगड़ के हाथ धोते हैं तो लिपिड बाय लेयर घुल जाती है और कोरोना वायरस बिखर के खत्म हो जाता है। मैं ये तो कह नहीं सकता कि वो मर जाता है, क्योंकि वो जिंदा कभी था ही नहीं, वायरसेस आर नॉट लाइव क्रीचर्स, इनएक्टिव, वो तीनों एलिमेंट बिखर जाते हैं उसके, कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। इसीलिए तो बोल रहे हैं हाथ धो और चेहरे को हाथ बार बार मत लगाओ, क्योंकि कोरोना वायरस सरफेस पे बैठा है ना, वहां से हाथ पे आया, हाथ से नाक पे गया, मुंह पे गया, इससे अंदर लंग्स में गया, और एक बार लंग्स में पहुंच गया आप इन्फेक्ट हो चुके हो, उसको लंग्स में नहीं जाने दे रहा है। तो कोई आपके मुंह पे छींके हटो, कोई मुंह पे खांसे हटो, वो आपके सीधे अंदर कोरोना वायरस डाल रहा है, इट इज दैट सिंपल। जी हाँ, ये वाकई में डिस्कशन इतना सिंपल है, अगर आपको लग रहा है कि सारी दुनिया भौचक की और क्या वाकई ये इतनी सरल बात है, जी हाँ ये इतनी सरल बात है, तो भैया जरा ये ज्ञान आगे फैला देना दुनिया में। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले वायरसेस आर मेड अप ऑफ 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, नोट कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया। कोई भी वायरस दुनिया का, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, वही शी जिनपिंग वाला, आरएनए, प्रोटीन और लिपिड्स हैं। शी जिनपिंग साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी, शी जिनपिंग कौन है जल्दी बताइए, उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने पहले 30 से 40 दिन इस क्राइसिस को दबाने की कोशिश की, दुनिया को नहीं बताना, उसमें फैल गया सब कुछ। अगर पहले ही दिन चाइना एक्सेप्ट कर लेता कि गड़बड़ हो गई है बहुत बड़ी, तो सारी दुनिया सेफ होती आज, लेकिन अब उसमें लाखों लोग यहां वहां हो गए, सब तरफ फैल गया, अब क्या कर सकते हैं, अब जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। वायरसेस आर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, आरएनए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये समझ में आ गया। अब ये मत बोलना कि सर मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, यार इतना तो सब नाम याद रख लो यार, और क्या करना, बीच में आरएनए है, आरएनए ही वो वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे सेल्स में घुस के करोड़ों कॉपियां बना के हमें मार डालता है, समझ में आ गया कि नहीं। प्रोटीन टारगेट सेल में हमारे शरीर में घुसने में मदद करता है, और लिपिड क्या करता है, वायरस का प्रोटेक्शन करते रहता है, हमारा साबुन अगर उस लिपिड को तोड़ दे कोरोना वायरस खत्म। क्या ये तीनों एलिमेंट क्लियर हो गए? चाइना के प्रेसिडेंट है ना शी जिनपिंग, तो उस वक्त क्या हुआ था, जब वो पहली बार ये क्राइसिस आई थी तो शी जिनपिंग ने अपने प्रीमियर को बुलाया था ली केशवान को, और उनको बोला था नहीं हुआ कि मतलब ये सबको दबा दो, ये मैंने मैंड्रिन में बोला था, मुझे चाइनीज आती है, तो उन्होंने ये बोला था मतलब सब चुप हो जाओ, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, बस इसी में मरवा दिया जिन सबको। इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, ये एक तरह से वेलक्रो के जैसे चिपके हुए होते हैं, और अगर हमारे साबुन के इसको तोड़ सकते हैं केमिकल्स, तो कहानी खत्म हो जाएगी वायरस की, समझ में आ गया। सादे पानी से इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, सादे पानी से इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी केवल उसके स्किन और वायरस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन साबुन में एम्फीफाइल नाम के जो केमिकल होते हैं वो लिपिड के जैसे होते हैं और वो उसको डिसॉल्व कर देते हैं, बस इतना आप ध्यान रख लेना। एग्जाम में अगर कोरोना वायरस के लिए साबुन से हाथ धोना क्यों बोला जाता है, कई बच्चे हंस रहे, उनको लग रहा है मैं जोक कर रहा हूं, ज्ञानमिन हुआ, ये मैंने मैंड्रिन में आपको बोला है कि इस तरह से हंसो मत मेरी मैंड्रिन के ऊपर, अच्छा नहीं होगा, जिनपिंग को बता दूंगा। प्यारे दोस्तों, आई होप दिस इज क्लियर।
तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, वायरस को हम पूरी तरह से तोड़ सकते हैं, लेकिन सभी लोगों का कोऑपरेशन होगा तभी, अन्यथा सभी साफ हो जाएंगे। अभी साबुन से हाथ साफ कर लो, नहीं तो साफ हो जाओगे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ऐसी भाषा में बोलो तो एक सेकंड में समझ में आता हिंदुस्तानियों को। प्यारे दोस्तों, अब हम आ गए हमारे 42nd कॉन्सेप्ट पर, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। सवाल यह है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कि आखिर हम इंसान आए कहां से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जितने भी इंसान हैं, हम आए कहां से हैं, भारत में हैं, यहां हैं, वहां हैं, हमारे ओरिजिनल पेरेंट कहां है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, जहां जहां इंसानों के कंकाल मिले हैं उनकी बोन्स में से डीएनए निकाल कर स्टडी कर लो तो पूरी चेन बन जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दुनिया में, तो आपकी डीप एंसेस्ट्री पता चलती है। इसको कहते हैं डीप एंसेस्ट्री, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 हजार साल पुराने एंसेस्टर, 300, 400, 500 नहीं, वो तो मेमोरी से पता है, लेकिन ये है 30, 40 हजार। तो स्पेकुलेशन अबाउट वेयर मॉडर्न होमोसेपियंस केम फ्रॉम हैज लेड टू जेनेटिक इन्वेस्टिगेशंस इनटू आवर ओरिजिन। बार बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि आधुनिक मानव आखिर आया कहां से। इसके लिए जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन करके वैज्ञानिकों ने कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है, पीछे 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 जाने के लिए। समझ में आया? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, यस और नो? पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, आउट ऑफ अफ्रीका वन एंड आउट ऑफ अफ्रीका टू, दो थ्योरीज आज मान्य है, इनमें कॉम्पिटिशन चलती है। Both talk of migration of modern humans, Homo sapiens, out of Africa after their emergence. दोनों के दोनों ये बोलते हैं कि भैया अफ्रीका से ही आधुनिक Homo sapiens निकलकर आए हैं, yes or no? पहली वाली थ्योरी out of Africa वन कहती है कि 18 लाख से 5 लाख साल पहले हमारे सबसे पहले एंसेस्टर अफ्रीका से निकले, लेकिन आज उस पर थोड़े सवालिया निशान है। तो दूसरी थ्योरी आउट ऑफ अफ्रीका टू कहती है 3 लाख से 2 लाख साल पहले निकले। अभी ये पक्का नहीं है, तो ये झगड़ा एकेडमिक झगड़ा है, चलता रहेगा। दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए कि आज वैज्ञानिकों के पास सबसे पुराना कंकाल होमोसेपियन का कौन सा है, तो वो है इथियोपिया में मिला हुआ 2 लाख साल पुराना ओमो किबिश वन कंकाल। ये याद रखिएगा, कल को हो सकता है कि कोई 3 लाख साल पुराना कंकाल मिल जाए, ये एक इमर्जिंग साइंस है। समझ में आ गया? तो ये थ्योरी समझ में आ गई, हमें समझा दो कॉमेंट थ्रेड में। अब आप बोलेंगे सर कोई डायग्राम है, ये रहा डायग्राम। हमारी सबसे प्राइमरी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन अफ्रीका में थी, वहां से 2 लाख साल पहले से वो कैसे, तो भारत में 70 हजार साल सबसे पहले आई। सेंटिनलीज आइलैंड मालूम है ना, जहां मार दिया था उन्होंने, एक विदेशी आया था, तो उस पर मेरा एक वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे नाम से, संदीप मानोधन, सेंटिनल आइलैंड चेक कर लेना, पूरा वीडियो मिल जाएगा। और यहां से पूरी दुनिया में कैसे फैले, तो सबसे अंत में उत्तरी अमेरिका और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका पॉपुलेट हुआ है। ये प्रागैतिहासिक ज्ञान, दिस इज कॉल्ड पेलियंटोलॉजिकल हिस्टोरिकल नॉलेज। समझ में आया? आई होप दिस इज टोटली क्लियर, याद रहेगा, एब्सोल्यूटली क्लियर, वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी पर अगर कहीं भी प्रश्न बनता है तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। अब हम आ गए हैं 43rd पर, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने आपको उस दिन बताया था कि पृथ्वी पर एक ग्रीन हाउस प्रभाव है जिसमें बहुत सारी रेडिएशन हम स्पेस में जाने देते हैं, लेकिन बहुत सारी हीट जो सूर्य से आती है हम रोक लेते हैं, जिससे हमारे बायोस्फीयर में आप और मैं जिंदा रह पाते हैं। लेकिन मान लीजिए एक दिन ऐसी आ गई कि इतना सारा ग्रीन हाउस गैस आ गया कि बाहर रेडिएट नहीं हो रही है गर्मी, फिर क्या होगा? सारी गर्मी अंदर, हमारे सारे महासागर भाप बन के उड़ जाएंगे और पृथ्वी का तापमान 400, 500, 600 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और हम शुक्र ग्रह की तरह हो जाएंगे, वीनस की तरह, जो मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है, जबकि मर्क्यूरी सूर्य के पास है। क्योंकि शुक्र पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया जिसमें कौन सा इफेक्ट चल रहा है, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। रन अवे का मतलब होता है अनियंत्रित। समझ में आया? तो ये सब पेलियो बॉटनी का हिस्सा है। बिल्कुल सही बोला आपने, पेलियो यानी प्रागैतिहासिक, यानी एकदम प्राचीन। प्यारे दोस्तों, रन अवे यानी अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिए क्या होता है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या आप अभी मानते हैं और एग्री करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव आवश्यक है? क्योंकि उसके बिना थोड़ी बहुत भी गर्मी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, इसलिए ग्रीन हाउस तो जरूरी है। लेकिन
अगर बहुत ज्यादा हो गया तो थर्मल रेडिएशन बाहर ही नहीं निकल पाएगी। पहला चित्र ध्यान से देखो, यह है पृथ्वी का ग्रीन हाउस इफेक्ट। थर्मल रेडिएशन स्पेस में भी जा रहा है, पृथ्वी पे भी घूम रहा है, बैलेंस बना हुआ है, आप और हम जिंदा हैं। अब वीनस पे क्या हुआ, दाईं ओर स्क्रीन पर आपको समझ में आएगा। वहां दुर्भाग्यवश अरबों साल पहले यह बैलेंस बिगड़ गया। तो क्या पृथ्वी पर यह हो सकता है? जी नहीं, अगले 100, अगले 500, अगले 1000 साल में यह नहीं होगा। यह होगा कई करोड़ साल के बाद, वो तय है जब हमारे सूर्य का आकार बढ़ना शुरू होगा, लेकिन अभी नहीं। तो यह सवाल जो उस दिन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या पृथ्वी पर रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, जी नहीं, ये कई करोड़ों साल के बाद आएगा। तो हमारा जीवन क्योंकि 100 वर्षों का है, कुछ ज्यादा लकी हुए तो 110, कोई और ज्यादा लकी तो 120, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन एंड क्लाउड लेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट, जिससे रनअवे ग्रीन हाउस होता है, और इसीलिए शुक्र ग्रह का तापमान हो गया 465, जो मरकुरी से भी ज्यादा है। कितनी एनोमलस है। तो अगर परीक्षा में कभी आपसे पूछ लिया कि बुध ग्रह सूर्य के पास होने के बावजूद कम तापमान पर कैसे है शुक्र के, उसका आंसर है रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आ गया? ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद करके दिखाएंगे, बोलो सैंडी सर जिंदाबाद, अरे बोलो। यारे दोस्तों, जैसे जैसे सूर्य 100 करोड़ सालों में 10% और अधिक ब्राइट हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी पर ग्रीन हाउस, लेकिन 1 करोड़ साल बाद मानवता ही नहीं रहेगी, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 44 पर, भू चुंबक, पृथ्वी का भू चुंबक। अब ये भू चुंबक क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये है भू चुंबक। लेफ्ट साइड पे है सूर्य, सूर्य देवता का एक ही काम है, लगातार फ्यूजन करना, फ्यूजन करना, फ्यूजन करना, और सब तरफ आग बरसाना। पृथ्वी के आसपास एक जियोमैग्नेटिक पूरी की पूरी फील्ड है, तो वो पूरी आग को झेलती है, इसलिए आप देखेंगे आगे की तरफ का जो है वो चुंबकीय क्षेत्र दबा हुआ दिख रहा है, पीछे का फैला हुआ दिख रहा है। चित्र में देखिए ध्यान से, डू यू सी दैट टुवर्ड द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिज्म आर कंप्रेस्ड एंड टुवर्ड द अदर साइड द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिज्म आर स्पेस्ड आउट, दिख रहा है आपको? ये जो चुंबकत्व है, इसने हमें सूर्य की भयानक किरणों से बचाए रखा है। सेशन में सबको मजा आ रहा है, थैंक यू रुद्र त्रिपाठी जी, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये समझ में आया आपको? तो हम आज जिंदा हैं क्योंकि ऐसा है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा हमारा कोर ठंडा होके, उस दिन हम मार्स में तब्दील हो जाएंगे। आइए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे प्लैनेट का एक्टिव कोर है, सबसे अंदर देखो एकदम ठोस पिघला हुआ लोहा, लेकिन पिघला हुआ इन द सेंस कि वो घूम नहीं रहा है। उस इनर कोर के बाहर एक आउटर कोर है जिसमें कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं। तो अब ये तो जियोडायनामो हो गया। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मोल्टन मेटल घूमता है उसमें करंट बनता है, और अगर वो पूरे को हम घुमाएंगे उसमें से मैग्नेटिज्म आ जाता है। ये रिवर्स भी होता है, मैग्नेटिज्म से करंट भी बनता है। अरे भाई, हमारे घरों में जो बिजली बनाने के लिए हम कई बार यूज करते हैं, वो मैग्नेटिज्म से करंट, हम उसमें मैग्नेट को घुमाते हैं गोल गोल तो करंट आता है। तो यहां आउटर कोर में कन्वेक्शन हीट करंट बन रहे हैं जिससे मैग्नेटिज्म हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो दोनों डायरेक्शन में यह बनता है। बड़ी बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र बना, हमें सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है फिलहाल, क्योंकि जिंदा रहना है। तो प्यारे दोस्तों, यह गर्मी कोर से निकलकर स्पेस में जाती है, और यह बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड बनती है डायनामो इफेक्ट के नाम से। मैग्नेटोस्फीयर यानी वो पूरा क्षेत्र पृथ्वी का जहां एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, जियोमैग्नेटिज्म बना हुआ है, पूरी फील्ड बनी हुई है। और मैंने आपको विभिन्न प्रकार के नॉर्थ पोल बताए थे, याद है? जल्दी बताओ कितने प्रकार के नॉर्थ पोल्स पर हमने बात की थी। सेशन में बोर तो नहीं हो रहे हो? मजा आ रहा है आपको, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आपने ये देखा, जी हां, वो कोर मूवी भी थी, बिल्कुल सही बोला आपने। हालांकि क्या आप एक बात जानते हैं, हम ज्यादा अंदर तक खोद नहीं पाते हैं, तापमान बहुत है पृथ्वी में, हम केवल कुछ किलोमीटर जा पाए, और ये तो अंदर 7000 किलोमीटर तक है, तो वहां तक फिलहाल हम जा ही नहीं सकते हैं। सिर्फ हम तरंगे भेज के पता करते हैं कि अंदर क्या है, एस वेव्स एंड पी वेव्स, ठीक है, वो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम करती, क्योंकि अंदर आउटर कोर गोल गोल घूम रहा है, उसमें कन्वेक्शन करंट्स हैं, जिसकी वजह से भू चुंबकत्व बन चुका है, जिसकी वजह से हम सेफ है। यह स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट, सबसे आखिरी लाइन पर ध्यान दो, अंदर के कोर से हीट बाहर निकली,
उसकी वजह से संवहनी तरंगे बनी, कन्वेक्शन करंट काय में बनी, आउटर कोर में बनी, और साथ में पृथ्वी का रोटेशन होता जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो पूरी पृथ्वी को घेर लिया और उसने हमें बचा लिया। बस ये है जियो मैग्नेटिज्म। कितने बच्चों को समझ में आ गया कंफर्म कर दो। तो अगर परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आए, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी था, लेकिन अब साइंस और टेक्नोलॉजी में तो भैया सब कुछ एक साथ आता है। अब हम आ गए हैं क्वांटम फिजिक्स पर। प्यारे दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे हो? 5 मिनट सेशन और चला लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। आई होप मैं 5 से 10 मिनट और सेशन को चला सकता हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं, और उसके बाद कल का पूरा दिन आपके पास है। बढ़िया रिवाइज कर लीजिएगा, जरा कंफर्म कर दीजिए कि स्टेमिना बचा हुआ है और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जल्दी बताइए। प्यारे दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स यानी वो फिजिक्स जो एकदम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर होता है। क्वांटम फिजिक्स यानी स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट इट्स मोस्ट फंडामेंटल सब एटॉमिक लेवल, जो आंखों से कभी नहीं दिखता। तो जब मैंने आपसे कहा था कि ये मैक्रो फिजिक्स है और इसके अंदर 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 नैनोमीटर पे जाऊंगा तो वो होगा माइक्रो फिजिक्स, वो था क्वांटम फिजिक्स। हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? जल्दी बताइए। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट चेंजेस व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। तो ये बताता है कि यूनिवर्स फंडामेंटली बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। यस और नो? प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स एक ही बात है, यह बताने का प्रयास करता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का व्यवहार दरअसल कैसा है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिहेव कैसा करते हैं। मैक्स प्लैंक, बहुत बड़ा नाम है भैया, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है दुनिया की बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, इन्हें फादर कहा जाता है क्वांटम थ्योरी का। इन्होंने E=h(ν), ई एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, एक ने लिखा है हैप्पी हॉलीडेज, एक दिन की छुट्टी को जो हॉलीडे बोले उस महान आत्मा को सादर प्रणाम है। क्वांटम मैकेनिक्स नेचर ऑफ दैट एनर्जी समझाता है। क्लासिकल फिजिक्स वो था जो मैंने मोबाइल फोन आपको दिखाया, क्वांटम फिजिक्स वो है जो मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं उसको स्टडी कर सकता हूं, और वो स्टडी करने के लिए मैंने CERN में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाया। अब कनेक्ट हो रही है सारी चीजें दिमाग में धीरे धीरे, भले ही आप साइंस टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हो। अब सिलेबस में तो है ना यार, तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। यस और नो? भगवान शंकर की कसम है तुमको, पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स की तुलना देख लीजिए, सवाल बन सकता है, अच्छे से देख लीजिए। क्वांटम फिजिक्स में एलिमेंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस भी होते हैं, तरंग भी होते हैं, उसको वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। लेकिन मेरा मोबाइल फोन सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ये वेव नहीं है, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं सब एटॉमिक लेवल पर जाता हूं तो वो वेव पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वो वहां पे एक द्वैत प्रभाव दिखाता है। अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से बना लेना। 4 तरह का फिजिक्स आज दुनिया में है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कौन से 4 तरह का फिजिक्स है दुनिया में? पहला फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स, आपका और मेरा फिजिक्स, हमारी स्पीड भी बहुत कम और हमारा आकार भी बहुत बड़ा, क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स, समझ गए? अब मान लो मेरी स्पीड लाइट के बराबर हो जाए, वो हो जाएगा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। या मान लो मैं सीधे एटम के अंदर घुस जाऊं लेकिन मेरी स्पीड बहुत कम है, क्वांटम मैकेनिक्स। अब अगर एटम के अंदर की स्पीड को बढ़ा के लाइट की स्पीड कर दूं, क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो बेसिकली साइज और स्पीड के 2 पैरामीटर के ऊपर सारी चीजें चलती हैं। मेरी साइज बड़ी है, स्पीड कम है, यह है क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर मैं लाइट की स्पीड पर भागने लग जाऊं तो वो प्यारे दोस्तों हो जाएगा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अगर मेरे अंदर का एक एटम निकाल के आप देखोगे तो वो हो गया क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। और अगर उस एक एटम को आप लाइट की स्पीड से चला दोगे तो वो हो जाएगा क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये 4 फील्ड्स के नाम ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। समझ में आया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा जटिल विषय है। इस विषय को, ब्लैक बॉडीज को, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स को, साथ में वाई डायनासोर्स वेंटिंग सिंह, लोनार लेक महाराष्ट्र,
तो मैं आज एक काम करता हूं, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ब्लैक बॉडीज को मैं अगले सेशन के लिए रख रहा हूं, क्योंकि थोड़ा जटिल है, मुझे 10 मिनट लगेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सरल कॉन्सेप्ट एस्टेरॉइड और मीटियोराइड्स बता देता हूं। सिंपल सा फंडा समझ लो बेटा, एस्टेरॉइड है ना बहुत बड़ा पत्थर घूम रहा है स्पेस में, मीटियोराइड है ना थोड़ा छोटा पत्थर। सो एस्टेरॉइड्स आर वेरी लार्ज स्टोन्स, मीटियोराइड्स आर स्मॉल स्टोन्स। बोथ ऑफ देम कैन कम टू अर्थ, व्हेन दे कम टू अर्थ दे विल बिकम मीटियोर्स, और अगर नीचे आके टकरा गए मीटियोराइड्स। एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट, सारे के सारे डायनासोर साफ हो गए 6.5 करोड़ साल पहले। यूकेटन पेनिनसुला, मेक्सिको, चिकजुलू क्रेटर, बूम, खत्म। इतना मोमेंटम, देखिए 2-3 किलोमीटर चौड़ा पत्थर अगर आ गया ना पृथ्वी पे, अब आप बोलेंगे पृथ्वी तो इतनी बड़ी, इट इज ऑल अबाउट द नेट मोमेंटम, स्पीड इंटू द मास। तो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो जब टकराएगा बूम से तो समझ नहीं आएगा किसी को, संपूर्ण जीवन का विनाश, पृथ्वी का विनाश नहीं। तो एस्टेरॉइड, मीटियोराइड, जो मीटियोराइड यहां आया वो बनता है, अंदर जैसे ही वो घुसा तो वो एक फायरबॉल बनेगा, मीटियोर बनेगा, और नीचे आ गया तो मीटियोराइट। लगातार पृथ्वी पर मीटियोराइट गिरते जा रहे हैं, अगर कोई बड़ा आके गिरा तो जीवन का सर्वनाश। प्यारे दोस्तों, 49 और 50 भी मैं अगले सेशन में लूंगा, लेकिन उसकी हिंट अभी दे देता हूं, डायनासोर्स क्यों मर गए, और ये बुल्ढाना महाराष्ट्र में लोनार लेक की क्या कहानी है, कौन है यहां बुल्ढाना से बताओ, लोनार लेक देख के आयो कि नहीं रे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोराइट नीचे आ गया और वो गिरा मेक्सिको के यूकेटन प्रायद्वीप में। जब वो आके गिरा तो पूरे धुएं के बादल उठे, उसके आसपास जो थे वो तो सब साफ हो गए, लेकिन पूरी दुनिया थोड़ी खत्म होगी। जो धुएं के बादल उठे, प्रैक्टिकली इट वॉज अ न्यूक्लियर विंटर, हजारों सालों तक सूर्य ढक गया तो सारे पेड़ खत्म हो गए, तो सारे हर्बीवोर्स खत्म हो गए, तो सारे कार्निवोर्स खत्म हो गए। मजे की बात सुनना, अभी जब ये डायनासोर्स मरे तो हमारे मैमल्स के, स्तनपाई जीवों के सबसे पहले पूर्वज जमीन पे छुप के भागा करते थे, जानते हैं कौन, श्रूज, छोटे छोटे चूहे, वो हमारे सबसे पहले मैमेलियन एंसेस्टर्स हैं। जैसे ही डायनासोर्स मरे वो श्रूज अचानक से जी उठे, जो रात को छुप के भागते थे, अब उनको कोई मारने वाला ही नहीं था। कुछ ही जनरेशंस में वो श्रूस का आकार इतना बड़ा हो गया और उसके बाद नई नई स्पीसीज पैदा हो गई और वहां से आप और हम निकल के यहां तक आ गए। तो उस मीटियोराइट को थैंक यू लिख देना, थैंक यू मीटियोराइट, नहीं तो ना आप यहां होते ना मैं, एक टिरेनोसॉरस अभी बहुत सारे हर्बीवोर्स को पढ़ा रहा होता। तो यह है कहानी हाउ डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट की, यह सिलेबस है यूपीएससी का। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते, होली कब है, कब है होली, कब कब। प्यारे दोस्तों याद रखना, होली पे छूना नहीं है, कोरोना वायरस फैलता है, अगर इतना पढ़ लिख कर भी ये बात हम नहीं समझ पाए तो धिक्कार है हमारी पढ़ाई पर। सबको सुरक्षित रखिए, बहुत बड़ा एपिडेमिक होगा नहीं तो, और आपसे हमें बहुत उम्मीद है। तो आपको बहुत बहुत शुभ होली, खूब इंजॉय करें, जीवन में पॉजिटिव रहें, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो। मेरे 6 सेशन हो गए, अब मैं आपसे बुधवार शाम को पुनः मिलूंगा। नमस्ते, जय हिंद।